अरे मेरी मनपसंद गाड़ी कहाँ गई? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ गई मेरी गाड़ी? क्या हुआ मटरू? इतनी परेशान और उदास क्यों हो? मम्मी, मेरी लाल रंग की गाड़ी नहीं मिल रही है। मटरू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दुखी हो। देखो, तुम्हारी गाड़ी यहीं कहीं रखी होगी। मैंने सब जगह देख लिया मम्मी, पर गाड़ी कहीं नहीं है। वो मेरी पसंदीदा गाड़ी थी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपना पसंदीदा खिलौना खोने पर कैसा महसूस हो रहा होगा। चिंता मत करो, तुम्हारी लाल गाड़ी साथ में ढूंढते हैं। अच्छा, क्या तुम अपनी गाड़ी के बारे में मुझे कुछ और बता सकती हो? मम्मी, मेरी गाड़ी लाल रंग की थी। उस गाड़ी का एक टायर टूटा हुआ भी था। आपको पता है मम्मी, ये मुझे मेरे जन्मदिन पर हैप्पी चाचा ने तोहफे पर दी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है वो कभी नहीं मिलेगी। मटरू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर कई बार हम अपनी पसंद की चीजें ना चाहते हुए भी खो देते हैं, जिनका हमें दुख होता है। मैं समझ सकती हूँ। पता है मटरू, जब मैं छोटी थी तो मैंने भी एक बार अपनी सुंदर सी माला खो दी थी। मैं भी बहुत रोई थी उस समय। सच में मम्मी, क्या आपको फिर वो माला मिली? नहीं मटरू, मुझे याद है कि जब जब मैंने वो माला पहनी, सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की थी। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वह माला कई अच्छे मौकों पर पहनी है। ये देखो मटरू, मेरी पुरानी फोटो। मम्मी, आपकी ये फोटो देखकर मुझे भी एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं भी अपनी गाड़ी की ड्राइंग बनाऊं? हाँ मटरू, ये तो अच्छा आइडिया है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी पसंद की कोई चीज खोई है? आपको उस समय कैसा लगा और आपने इसके बारे में किसके साथ जाकर बात की? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं क्या उन्होंने कभी कोई चीज खोई है और उन्होंने उस समय कैसा महसूस किया था। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।